श्रावणी मेला की पहली सोमवारी को देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पहली सोमवारी को पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करने रात से ही कांवरियों ने लंबी लाइन लगा रखी थी। भीड़ को देखते हुए व्यवस्थित तरीके से जलार्पण कराने के लिए प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। सावन की पहली सोमवारी पर बोकारो के शिवालयों में भक्त सुबह से ही मंदिरों में बाबा को जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि दो वर्षों के बाद उन्हें मंदिर में पूजा अर्चना करने का मौका मिला। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से सभी को स्वस्थ और खुश रखने की प्रार्थना की। साहिबगंज में सावन की पहली सोमवारी पर मिनी बाबा धाम के नाम से विख्यात बाबा गाजेश्वरनाथ धाम शिवगांधी में बाबा को जलाभिषेक करने को लेकर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि वैद्यनाथ धाम देवघर के बाद साहिबगंज के इस मंदिर में भीड़ होती है। हजारों की संख्या में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ सावन माह के हर सोमवार को पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में शिव भक्त पश्चिम बंगाल के फरक्का गंगा घाट से जल भरकर कांवर यात्रा करते हुए 55 किलोमीटर की दूरी तय कर शिव भक्त बाबा गाजेश्वरनाथ धाम शिवगादी पूजा करने पहुंचते हैं। सावन के पहले सोमवार को पलामू के मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही श्रद्धालु शिवालयों में भोलेनाथ को जलाभिषेक करने पहुंचे। बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष का जयकारा लगाते श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखे। श्रद्धालु दूध और जल से श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बता दें कि चियांकी का पहाड़ी मंदिर पुरातन धरोहर है। लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन करने आते हैं। ग्रामीण इस मंदिर के पौराणिकता के बारे में बताते हैं। यह मंदिर चियांकी राजा बाबा के नाम से प्रसिद्ध भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। किसी जमाने में घनघोर जंगल के बीच एक गुफा में बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए थे। मान्यता है कि यह सच्चे मन से पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन की पहली सोमवारी को सिमडेगा के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। शिवालयों में सुबह से ही भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। सिमडेगा के सरना महादेव मंदिर, करंगा गुड़ी शिव धाम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इसके अलावा कोलेबिरा स्थित बूढ़ा महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों ने बाबा को जल चढ़ाया। बोकारो के बिरसा चौक नया मोड़ में कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के पुतला को चूड़ी पहनाकर पुतला दहन किया गया। झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव संगीता तिवारी ने राजेश ठाकुर पर पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं अपने आप में सशक्त और हर कार्य क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम करने में निपुण और सक्षम है। उसके बाद भी अपने पार्टी के समर्पित और जुझारू पुरुष महिला कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दूसरी पार्टी के पदाधिकारियों को जवाबदेही देकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के पंचखेरो डैम में डूबे 8 लोगों की तलाश सुबह से शुरू हो गई। इसके बाद डूबे हुए एक व्यक्ति सीताराम यादव का शव निकाला गया। शव को सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं डैम में डूबे बाकी लोगों को तलाश करने में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मोटर बोट के जरिए अलग अलग एनडीआरएफ की टीम डैम में डूबे लोगों की तलाश कर रही है। बता दें कि रविवार को सुबह गिरिडीह के खेतो गाँव से घूमने आए 8 लोग डैम में डूब गए थे। एक नाव पर सवार होकर 10 लोग डैम में नौकायान कर रहे थे, तभी नाव में पानी भरने लगा और नाव डूब गई। इस घटना में नाविक और परिवार के एक सदस्य ने तैर कर जान बचाई, जबकि 8 लोग नाव के साथ ही पानी में डूब गए। घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख प्रकट किया और ट्विटर के जरिए संवेदना व्यक्त की। सरकारी कर्मी के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग एक रूटीन प्रक्रिया है। ऐसे में रामगढ़ के एसपी प्रभात कुमार की विदाई और नए एसपी पीयूष पांडे के स्वागत पर स्वागत सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिस तामझाम के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया उससे कई सवाल खड़े होते हैं। यह वीडियो किसी शादी समारोह की नहीं बल्कि यह पूरा कार्यक्रम रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार की विदाई और नए एसपी पीयूष पांडे के स्वागत में आयोजित की गई थी। दूल्हे की गाड़ी में सवार पीयूष पांडे को संगीत की धुन और पटाखों की सतरंगी रोशनी के बीच कार्यक्रम स्थल पर ले जाया गया। स्वागत इतनी गर्मजोशी के साथ की गई कि देखने वाले भी हैरान हो गए। आज तक जिले में इस तरह का विदाई समारोह का आयोजन नहीं किया गया था। पलामू के उपायुक्त ए दौडे ने सोमवार को समाहरणालय भवन में विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ए दौडे ने सभी कार्यालयों
के बारे में जानकारी ली और पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान शैलेश कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने प्रधान लिपिक और अन्य कर्मियों से निष्पादित किए जाने वाले कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कार्यालय प्रधान से बात करते हुए उपायुक्त ने मैन पावर की उपलब्धता, कार्य का बंटवारा और कार्य निष्पादन को लेकर जानकारी ली। विभिन्न कार्यालयों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में कार्यालय प्रधान और कर्मियों से चर्चा की और कहा कि जो भी कार्य है उनका समय निष्पादन करें। वहीं उन्होंने आपूर्ति कार्यालय में साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए।